अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद सबील अफरीद आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को डॉक्टर मोहम्मद सबील ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैंने कुछ मटेरियल लाया था जिसमें है जिंक, एल्युमिनियम, ब्रास और कुछ इधर उधर का कचरा इसमें मिला हुआ है। अभी हम इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे बज़रिए हीट, हम इसको भट्टी पे अलग करेंगे। इसमें हमें कुछ औज़ार इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिसमें वो ये स्टील की कढ़ाई और ये चमकी वगैरह इस्तेमाल होगी और ये चांदी इस्तेमाल होगी, ये ब्लाउज़ वगैरह और इसके साथ साथ वो फर्नेस जो सामने नज़र आ रहा है वो छोटे वाला फर्नेस भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ लोग मुझे अक्सर कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं कि मसलन ये टेन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मुख्तलिफ चीज़ों का। तो जिंक का टेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 231.9 सेंटीग्रेड है और इस तरह लीड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 327.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसी तरह इसमें जो जिंक है इस जिंक ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 419 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें ये बकल जो ब्रास का आ गया। तो और इस तरह जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 660.3 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस तरह इसमें जो ब्रास है इन ब्रास की जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 927 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसमें कॉपर भी है जो जेब का दाना है छोटा छोटा ये नज़र आ रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अभी हम इसको पहले कम डिग्री सेंटीग्रेड पे शुरू करेंगे इसलिए कि जिंक कम डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम होता है, फिर उसके बाद कॉपर, इसी तरतीब से हम इंशाल्लाह अभी इसको हम शुरू कर रहे हैं और इसको हम इसी में इस कढ़ाई में डालेंगे। इस कढ़ाई को कुछ लोग कढ़ाई बोलते हैं, कुछ उसको स्टील का प्याला बोलते हैं और ये अभी हम इसमें ये हम डाल रहे हैं इस तरतीब से और अभी हम ये ले जाके जब ये कंप्लीट होगा तो अभी हम इसको ले जाके इस काम के लिए आप लोगों को लेदर के ग्लव्स लाजमी है इसलिए कि ये हीट का आग का काम है, हाथ जल सकते हैं, हाथ बचाने के लिए इस्तेमाल करें और साथ साथ जो है अगर वो सेफ्टी वाला मास्क ना हो तो ये हल्का सा मास्क जो है ये वाला भी इस्तेमाल करें ताकि डस्ट से आप लोग महफूज रहें। इस तरह मसलन ये डस्ट से महफूज होंगे, ये इस्तेमाल करें अगर सेफ्टी मास्क आप लोगों को मैसर ना हो, जिसके पास सेफ्टी हो तो बेहतर है, सबसे बेहतर है। तो ये सारा सेफ्टी ये तरीका ज़रूरी है। अभी हम इसको उठा के ले जाते हैं और भट्टी पर रख देते हैं।
जो हमने डाल दिया, ये जिंक है, ये कम टेम्परेचर पे पिघल गया। अभी जो वापस हमने दोबारा डाल दिया, वो आग पे रख दिया, उसमें एल्युमिनियम है और ब्रास है। अभी टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं ताकि ये एल्युमिनियम को पिघला दे और ब्रास बच जाए, तो फिर उसको हम चांद देंगे, एल्युमिनियम चांद से नीचे निकलेगा और जो पिघला होगा वो फिर हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस इंशाल्लाह कम्प्लीट होने वाला है। ये हो गया ब्रास, जिसमें से हमें मेला जो ये कचरा हमने लिया था, इसमें मिट्टी भी थी, जिंक भी था, एल्युमिनियम भी था, अब ये निकला इसमें से ब्रास। इसको फिर बाद हमें सिलाई करेंगे, पिघला देंगे। और ये है अब इसमें से पहला ट्रिप जो हमने डाल दिया है इस सांचे में, ये जिंक है, और ये दूसरे में हमने जो डाल दिया ये सिल्वर है। और चांद से जो नीचे निकला ये बुरादा था, ये बुरादा भी सिल्वर का बुरादा है। इसको फिर बाद में हम भट्टी में ज़्यादा हीट पे पिघला देंगे। और ये है अभी तक हमने जो माल बनाया, ये है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का हमने इसमें से बनाया है। और ये है जिंक, जिंक का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, ये करीबन काफ़ी वज़नी है, और ये जिंक है। तो ये था इसका तरीकाकार, जब कोई मिक्स इस तरह चीज़ मिल जाए तो इस तरीके से ये अलग अलग कर दिया जा सकता है। तो हमने इसका एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसके अलग करने पे किया, बाकी जो पीतल का है उसका भी इंशाल्लाह हम उसका बारी भी आ जाएगी कर लेंगे। और इस तरह आप लोगों को हम एक बार फिर याद दिला रहे हैं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं लिहाजा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लिहाजा वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम।